सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, स्वागत है तुहाडा मीडिया दी वीडियो 'च। तो अज मैं तुहानूं दिखाउंदा साडी गड्डी जिहड़ी साडे कोल गड्डी आ, तो मैं उह तुहानूं इक तरह रिव्यू कर दिंदा, सारीआं चीज़ां दस दिंदा जो जो इहदे 'च फंक्शन आ, जो जो फीचर आ। तो मेरे पिछे खड़ी है गड्डी, तो हुण मैं तुहानूं सारी वीडियो दिखाउंदा। हाँ जी, इह आ जी साडी गड्डी हुंडई वेन्यू। इह वेन्यू एस मॉडल आ, इह 2020 ईयर 'च लत्ती थी अक्तूबर 'च। तो सब नाल पहला मैं तुहानूं गड्डी दी की दिखाउंदा, इहदे 'च कीहड़ी की आउंदी आ। देखो गड्डी चाहती है फ्लिपकी, तो इस लॉक अनलॉक तो होल्ड का ऑप्शन आ। होल्ड करके रखूंगे तो यह डिग्गी जी ओपन हो जानी। तो जेडे मैं थोनू आम गड्डी चाहते होंगे हरेक लॉक अनलॉक लिए अलग बीप लगी हुई होंगी, तो मैं थोड़ा ऐसी एच दिखाऊँगा इस कि बीप लगी हुई है। जी हम मैं लॉक गड्डी हूँ लॉक आ, हूँ मैं अनलॉक करनी आ, तो देखियो हूँ मैं करूँगा लॉक। ये सीधी हॉर्न नाल कनैक्ट है, देखो अलग बीप नहीं दिती भी, जेड़ा गड्डी का हॉर्न उही वजदा लॉक अनलॉक करे ते। इंडिकेटर तो ये नीचे हैगी हेडलैम्प, तो नीचे इधर फॉग लैम्प, फॉग लाइट लई जगह हैगी है, पर वो आपां नूं बाद च लगवाउणी पैंदी, वो कंपनी ते नहीं आउंदी। तो ये जी गड्डी दे टायर, सिंपल व्हील कैप आउंदे कंपनी दे, अलॉय व्हील है, तो उपर वाले वेरियंट्स आउंदे आ। तो यह टायर साइज मैं थोड़ा दस दिता कि 195/65/15, मतलब 195 हैगी ए साइज, तो 65 ए साइज, तो जेडे 15 इंच व्हील कैप जिमें लॉय होंगे वह 15 इंच का, यदा गुडियर के टायर आए बेच कंपनी तो। साइड पर इंडीकेटर देखो तो गड्डी सारी, तो जेड़े ये मिररस आ साइड मिररस, ये इलैक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आ, फोल्डेबल नहीं है, अपन फोल्ड ये हाथ नाल करने पैंदे आ। देखो फोल्ड एंड फोल्ड हाथ नाल करने आ, ते जेड़े एडजस्ट है अंदर थोड़ा थोड़ा मैं वो भी दिखा दूंगा। रूफ रेल्स भी आउंदी आ, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती है घर, तो पेट्रोल है ये तुहानूं दस दिंदा मैं। ये डोर हैंडल, तो जेडे ये लगे हुए डोर गार्ड, ये बाद च लगवाए हुए कंपनी तो नहीं आते, मतलब डोर की सेफ्टी लिए लगवाए हुए। पिछे गड्डी देखो डी फॉगर भी आता, थोड़े लाइना दिख रही हैं डी फॉगर, जब सर्दियों टाइम से धुंध पई हुई होती, धुंध को हटाने का काम करती है। तो हंडई का पिछे लोगो, तो वेन्यू गब्बे गब्बे स्पेस दे दे के लिखा वा, ये भी क्रोम च लिखा वा, वधिया लगता लिखा वा। तो पिछे पार्किंग सेंसर, तो ये बैकलाइट, तो जी लाइट है ये जो आप रिवर्स गियर लाते हैं तो बल जी बिचे सेंटर से वाइट वाइट है, इस येलो लाइट है। तो इस उपर एंटीना आता, थोड़ा मैं हूँ यदि की नाल भी यदि डिग्गी ओपन करके दिखाता, जिम्मे मैं थोड़ा दसिया जिमें हूँ गड्डी की है, तो इन्हें लॉक कर लेंगे पहला की खोलन लिए, आप जो होल्ड वाला ऑप्शन 2-3 सेकेंड लिए दब के रखना पैना, और कोई इंडीकेटर ब्लिंक हो गए तो हम डिग्गी खोलते हैं। डिग्गी खुल गई, ये डिग्गी से ये सिंपल खिचे तो नहीं खुलती है, थोड़ा दिखाता आज को बटन लग्या हो, मैगनैटिक बटन होंगे, यही प्रेस करते खुलती है। तो इस पुराने मैट जेड़े नाल आए थे गड्डी के, ये उस बाद असी होर खाते थे मैट, ये पार्सल ट्रे आँगी पिछे, तो पिछे डिग्गी है एक स्पेयर व्हील गड्डी का, ये स्पेयर व्हील है, यह भी 15 इंच का है, ये भी गुडियर का, देखो 15 इंच। तो इधर डिग्गी लाइट, ये भी ऑटोमैटिक है, जब डिग्गी खुलती आपे ऑन हो जाती है, यह कोई बटन नहीं है। चलो ये हैंडल लग्या भी फट के डिग्गी बंद करनी,
ते दी ये उपर स्टॉप लैंप ते जेड़ा गड्डी दा ग्राउंड क्लीयरेंस जिवें 195 mm दा ग्राउंड क्लीयरेंस उच्ची मतलब एक कार SUV टाइप आ जांदी आ। चलो हुण मैं तुहानू इहदे अंदर सारे फीचर दिखांदा जो है कि ते आपां चाबी नूं इत्थे लगा के भी अनलॉक अनलॉक कर सकदे आ। देखो ये डोर ओपन ये लॉक अनलॉक इतने भी हो जाती है तो इतने भी लॉक अनलॉक वाले ऑप्शन थोड़ा दिख रहे हो तो ये सारी पावर विंडो के कंट्रोल आ। तो जिहड़ी पिछले दो पावर विंडोस आ जिवें सिसे इन्हां नूं करने लिए लॉक करने लिए भी जिवें पिछे बच्चे खोल ना सके। तो जिहड़ी ये विंडो आ मतलब ड्राइवर साइड विंडो ये ऑटो अप ऑटो डाउन वाला च फीचर आता। तो हम थोड़ा दिखाता हूँ मैं जोर दी थले दबदा इन देखो आपे थले आ गया अगो हाथ मेरा इधर आपे उपर गया है। हूँ ये किमें वो आ भी ऑटो पंच आए भी हो सकता भी जे किसी का हाथ आ जाए बिच तो यह आपे थले हो जाता वो भी थोन करके दिखाता। ये मैं ऑटो डाउन कर लिया है हूँ मैं ऑटो अप करके उपर ए हाथ रखूँगा तो ए देखियो मेरे हाथ में सेंस करके आपे बैक हो जाना मैं थोड़ा ये उन्हें मैं करता ऑटो अप ये देखो इतने खड़ गया। तो जो ये थोड़ा मैं दसिया से ये जो साइड मिरर्स है इन्हों के कंट्रोल है ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है फोल्डेबल नहीं है जिम्मे थोड़ा करके थोड़ा अंदर से ये देखो मिरर हिल रहा है। तो नीचे बोतल रखने लई तो इधर है स्पीकर चार डोरस चाहते हैं स्पीकर तो ये गड्डी इधर के लुक सर मैं थोड़ा अंदर जाके दिखाऊंगा। लो जी हुण गड्डी दा इग्निशन ऑन हो गया तो हुण करदा मैं कार नूं स्टार्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई भी है एसी ला लैंदे आ पहिलां। इह स्टीयरिंग वी हुंडई दा लोगो आ ते इधर सारे इह स्टीरियो दे कंट्रोल आ जिवें मोड म्यूट करना साउंड चेंज करना वॉल्यूम अप डाउन तो नीचे जेडे दो आए ये ब्लूटूथ से आ कॉल पिक एंड कट करने लई तो अजी वैन्यू अंदर तो लुक ये मीटर गब्बे स्पीडो मीटर तो साइड पर RPM मीटर तो इधर डिजिटल मीटर होंगे जिस सारी डिस्प्ले तो अपन पता लगता भी गड्डी किन्नी चलेगी तो किन्नी इहदी रेंज अगे होर सब कुछ। तो इधर देखो RPM मीटर की 8000 तक मार्किंग है क्योंकि ये पेट्रोल आ पेट्रोल गड्डी दे 8000 तक मार्किंग होंगी तो डीजल दी 6 तक। यह है स्टीरियो कंपनी तो आता है फिट ये नॉर्मल बटन वाला है चे टच स्क्रीन इतने उपले वेरियंट्स आता है जी ये इंडीकेटर ऑन करने चारों इंडीकेटर ऑन करने लिए बटन तो यह जी नीचे ए सी नॉर्मल ए सी आता जिमें इधर हूँ कूल वालू कर नीले वालू तो लाल वालू हॉट तो गब्बे एसी फैन स्पीड तुम कि करनी तो उधर तुम्हें कितने हवा लेके जानी है पैरों मूहरे शीशे पर कली शीशे पर एसी तो यह जो रियर मैं थोड़ा दस डीफॉगर डीफॉगर ऑन हो गया था भी जिम्मे धुंध धंध च हो पिछे धुंध जमी होने साफ करने ली। तो नीचे चार्जिंग लई सॉकेट आता तो इधर लगती है पेन ड्राइव स्टीयर की उपली दे सारा कंपनी तो आता थले उपर नहीं लगती। तो यह जी सेंटर मिरर ड्राइवर ने पिछे देखने ली तो इधर पैसेंजर साइड भी ये ताकिया च उपर लगे हुआ ट्विटर दोहे पासे ड्राइवर साइड भी तो डोर ओपनर तो लॉक तो यदि पावर विंडो तो ये नीचे भी स्पीकर हरेक डोरस के स्पीकर आते चार दे तो इधर भी वाटर बॉटल रखने लई तो जेडे सीट कवरे तो बाहर से चढ़वाने पैंते कंपनी तो नहीं आते होंगे तो मैट्स भी 70 मैट्स रखाए हुए भी बाहर से रखाए हुए आ जेडे पुराने मैं तुम दिखाया जेडे कार के नाल आते जी आर्मरेस्ट
हैंड ब्रेक तो दोनों कप होल्डर अपने कप रखने लई ते है जी कॉइन रखने लई स्पेस ते पांच गेयर आउंदे गड्डी च ते एक रिवर्स ते अग्गे भी कुछ स्टोरेज रखी हुई है कुछ कुछ पेन पुन अपना जो भी रख सकते हैं ते है जी हेड लैंप के कंट्रोल हेडलाइट्स के कंट्रोल आ सारे ते इधर जेड़े वाइपर्स के कंट्रोल आ ये दा स्टेयरिंग टेलट आ उपर थले हो सकता अपने अकॉर्डिंग जिथे मर्जी सैट कर सकते हैं तो जेडे साइड मेरे पे भी एंड साइज भी बहुत बड़ा पूरा व्यू दिखता पिछे तो पेट्रोल होने करके गड्डी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हैगी बिल्कुल साइलेंट इंजन है गड्डी का तो जेड़ा ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਇਹ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਡਾਇਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੂਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ देखो गड्डी स्टार्ट बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा ये पर हैंडल पड़न लई ते सनवाइजर नीचे लगे हुआ इधर एक साइड पैसेंजर साइड है ये का मिरर ते एयरबैग दी वैजिंग लिखी हुई है ते ड्राइवर साइड मिरर नहीं आता ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਏਸੀ ਹੈ ਰੀਅਰ ਏਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੌਕ ਲੱਗਿਆ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਐ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਸ ਤੋਂ ਵੈਨਿਊ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲ ਦੁਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ